Good morning students. Today we will read page number 6 of chapter 1. We read 3 last pages in previous videos. Okay. Today we will read page number 6 of chapter 1, An Oily Mess. तो हमने क्या पढ़ा इस स्टोरी में क्या था कि एक लेडी जो है वो अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए उसके घर जाती है और पीछे से उसका सारा परिवार जो है वो पूरे संडे का दिन मैनेज करता है. तो जो उसकी बेटी है वो ब्रेकफास्ट तैयार करती है, लंच तैयार करती है, और उसका जो बेटा है वो लंच और ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा जो आफ्टरनून है वो मैच बॉक्स को काटते हुए टैंक बनाने में व्यतीत करता है. ऐसे ही उसके जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी मदर के लिए मेडिसिन ले आते हैं शॉप से, केमिस्ट शॉप से, और ऑयल जो उन्होंने लाना था हिंजिस के लिए वो भी वो बाज़ार से ख़रीद लाते हैं. तो जैसे ही उसकी दादी माँ मेडिसिन पीती हैं तो वो चिल्लाती हैं कि यह दवाई नहीं है, मैं इसकी स्मेल से ही बता सकती हूँ यह जहर है और मुझे मारने की साजिश आप लोग कर रहे हैं. सो वी विल रीड नाउ पेज नंबर 6. फादर लिफ्टेड द ग्लास टू हिज नोज. हु गेव दिस टू यू? आई डिड, सेड विशरथ, हु हैड जस्ट कम इन लुकिंग रादर ग्रीन. जो फादर हैं वो ग्लास को लिफ्ट करते हैं. लिफ्ट होता है उठाना, लिफ्टेड, लिफ्टेड मीन्स उठाना. उन्होंने ग्लास उठाया द नोज टू हिज नोज, अपने नोज तक, यानी उसको स्मेल किया उन्होंने कि ग्लास में क्या था. हु गेव दिस टू यू? हाँ, तुम्हें ये किसने दिया? आई डिड, मैंने, सेड विशरथ, विशरथ ने कहा. हु हैड जस्ट कम इन, जो अभी अभी कमरे में आया था. लुकिंग रादर ग्रीन, जो पूरी तरह से, लुकिंग रादर ग्रीन मतलब थोड़ा डरा हुआ था. दिस इज नॉट द मेडिसिन, ये मेडिसिन नहीं है. मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स दवाई, ये मेडिसिन नहीं है. फादर शाउटेड, शाउटेड, शाउटेड मीन्स चिल्लाना, शाउटेड. दिस इज ओह नो, यह दवाई नहीं है. व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? फादर रश टू द फ्रंट रूम वेयर ही हैड बीन ऑयलिंग द डोर हिंजिस. एन आर्मी ऑफ आर्ट्स वर क्रॉलिंग ऑल ओवर इट. क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मीन्स मंडराना. वहाँ पर बहुत जो है चींटियाँ जो थी वो डोर हिंजिस पर इकट्ठी हो गई थी. जो फादर थे वो फ्रंट रूम की तरफ दौड़े जहाँ पे उन्होंने ऑयलिंग की थी डोर हिंजिस को. उन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ा ग्रुप जो आर्ट्स का, चींटियों का, उन डोर हिंजिस पर क्रॉल कर रहा है, मंडरा रहा है. ठीक है. अ मिक्सअप, ही सेड स्क्रैचिंग हिज हेड हेल्पलेसली. अ टेरिबल घैसली मिक्सअप. द ऑयल आई बोट फॉर द डोर हिंजिस, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट इन ग्रैंड माज रूम. When I went to speak to her and picked up her medicine instead, a mix-up, ये सब कुछ mix हो गया है. He said, उन्होंने कहा. Scratching, scratching means scratching होता है किसी चीज़ को खुरचना, खुरचना यानी खुजाना. यहाँ पे इसके लिए हम बोलेंगे खुजाना. उन्होंने सिर को खुजाते हुए बोला helplessly, helplessly मतलब असहाय अवस्था में उन्होंने सिर को खुजाते हुए बोला helplessly. अ टेरिबल घैसली मिक्सअप, द ऑयल आई बोट फॉर द डोर हिंजिस, ये सब मिक्स हो गए हैं. मैंने जो ऑयल डोर हिंजिस के लिए ख़रीदा था, डोर की जो चिटकनियाँ थी उसके लिए, उसको ऑयलिंग करने के लिए जो मैंने ऑयल ख़रीदा था उसकी जगह मैं उसे ग्रैंड माँ के रूम में रखाया, और उसकी जगह मैं वहाँ से उनकी मेडिसिन की जो शीशी थी, जो मेडिसिन थी, वो मैं उसकी जगह उठा लाया. थैंक गुडनेस ग्रैंड माँ डिडंट Drink all the oil, said Suma. But what's wrong with Vishrath? He looks as green as a caterpillar. Thank God. अब जो सुमा थी उसने क्या कहा कि भगवान का धन्यवाद है कि दादी माँ ने पूरा का पूरा ऑयल नहीं पिया. But what's wrong with Vishrath? लेकिन विशरथ के साथ क्या हुआ? He looks as green as caterpillar. वो बिल्कुल caterpillar. Caterpillar होता है जो सूंडी होती है ना सब्जी वगैरह में, या जो कैटरपिलर बोलते हैं हम, एक छोटा सा कीट होता है सुंडी जिसे हम बोलते हैं, वो बिल्कुल उसकी तरह ग्रीन दिख रहा है. द एग्स, सेड विशरथ वीकली. अंडे, तो विशरथ ने क्या, वीकली मतलब उसने हेल्पलेसली असहाय अवस्था में बोला वो अंडे. आई फ्राइड टू एग्स, मैंने दो एग्स को फ्राई किया था. बट दे टेस्टेड सो डिफरेंट फ्रेग्रेंट, जो उनकी टेस्ट था और उसकी जो फ्रेग्रेंट थी, फ्रेग्रेंट होता है स्मेल, जो उनकी खुशबू थी, ठीक है, और जो उसका टेस्ट था वो बिल्कुल अलग था, वो पहले जैसा नहीं था. फ्रेग्रेंट, परफ्यूम्ड एग्स, लाफ्ड सुमा.
हे वेट अ मिनट, परफ्यूम्ड, जो सुमा थी वहां से बोली, परफ्यूम्ड एग्स, क्या तुमने परफ्यूम वाले एग खा लिए? हे वेट फॉर अ मिनट, थोड़ी देर रुको। शी रश टू द किचन एंड लुकड एट द जस्ट यूज फ्राइंग पैन। तो वो जल्दी से किचन की तरफ दौड़ी। रश्ड रश्ड, इट इज़ रश्ड, रश्ड मीन्स दौड़ना। किचन की तरफ वो भागी और उसने उस फ्राइंग पैन को देखा जो विशरत ने एग्स को फ्राई करने के लिए यूज़ किया था। विशरत, यू यूज माई परफ्यूम्ड हेयर ऑयल टू फ्राई द एग्स, यू सिली, आई हैड लेफ्ट इट हेयर टू मेल्ट। तो अब क्या हुआ, यहाँ भी मिक्सअप हो गया। जो विशरत था, विशरत ने, क्योंकि जो एग्स थे वो घी में फ्राई करने थे, उसकी जगह उसने किसका, जो सुमा का हेयर ऑयल था वो यूज़ कर लिया, और जो हेयर ऑयल सुमा ने यूज़ करना था उसकी जगह विशरत ने जो घी मेल्ट किया हुआ था वो सुमा ने यूज़ कर लिया था। तो विशरत, क्या तुमने मेरा हेयर ऑयल यूज़ कर लिया, परफ्यूम्ड हेयर, खुशबू वाला हेयर ऑयल तुमने यूज़ कर लिया एग्स को फ्राई करने के लिए? यू सिली, तुम मूर्ख, आई हैड लेफ्ट इट हेयर टू मेल्ट। मेल्ट मेल्ट मीन्स पिघलाने के लिए, मैंने उसे पिघलाने के लिए यहाँ रखा था। एंड यू हैव बीन स्मेयरिंग योर सेल्फ विद घी, नो डाउट, लाफ्ड विशरत इन हिस्ट्रिक्स। अब जो विशरत था वो बिना, हिस्ट्रिक मीन्स होता है बिना रुके, मतलब उस लाफ का जो ब्रस्ट हो जाता है, विशरत बहुत जोश से हंसा और उसने कहा, तुमने अपने आप को स्मियरिंग, स्मियरिंग मतलब होता है ऑयलिंग, तुमने अपने ऊपर मालिश कर ली, स्मियरिंग होता है मालिश करना। नो डाउट, इसका मतलब तुमने, अगर मैंने तुम्हारा परफ्यूम्ड हेयर ऑयल एग्स को फ्राई करने के लिए यूज़ कर लिया, तुमने जो घी था वो अपने आप को ऑयलिंग करने के लिए यूज़ कर लिया। माई सुमा, यू स्मेल गुड इनफ टू ईट। मेरी प्यारी सुमा, तुम अब इतनी अच्छी स्मेल कर रही हो कि तुम्हें मैं आसानी से खा सकता हूँ। सुमा वाज नॉट अम्यूज्ड, सुमा इससे खुश नहीं थी। अम्यूज मीन्स खुश होना, अम्यूज्ड। इट्स नॉट फनी, ये फनी नहीं है। शी सॉब्ड, वो सॉब्ड होता है थोड़ा थोड़ा जैसे रोने के लिए सुबकना, सुबकते हुए वो बोली, सॉब्ड। आई होप इट वॉन्ट टर्न माई हेयर ग्रे, मैं ये होप करती हूँ, मैं ये विश करती हूँ कि मेरे हेयर इससे लगाने के बाद ग्रे ना हो, सफ़ेद ना हो। शी फ्लॉन्स्ड आउट ऑफ द रूम एंड रश्ड फॉर अ बाथ, वो जल्दी से रूम से भागी और उसने बाथ लेने के लिए वो बाथरूम में चली गई। विशरत, हेल्प मी वॉश द डोर बिफोर योर मदर गेट्स बैक, सेड फादर लुकिंग वरिड। और वर्ड मीन्स वरिड, वरिड मीन्स चिंतित। फादर ने चिंतित होते हुए बोला, विशरत तुम मेरी हेल्प करो डोर को वॉश करने में तुम्हारी मदर के आने से पहले। ओके स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड द नेक्स्ट पेज वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।